उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने आज अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत पागवाड़ा थाना इलाके के समाथल में रहे अवैध निर्माण हो रही कॉलोनी को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम के साथ कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए सैकड़ों पीएसी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस दौरान एमडीए की टीमों ने लगभग 10 अवैध मकानों को ध्वस्त किया और लगभग 50 अवैध प्लाटों की दीवारों को गिरा दिया। मुरादाबाद में बिना नक्शे के हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अभियान शुरू कर दिया है, जिससे मुरादाबाद के बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज से मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। क्यों छोड़ा गया? पता नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे। इलीगल है, कैसे इलीगल है पता ही नहीं, ना ही नोटिस ना ही कुछ। अच्छा, नोटिस दिया आपको? कोई कुछ नहीं मिला कुछ। अब 2 मिनट पहले पता चला जब जेसीबी ने गिरा दिया। अभी आपके अधिकारी से बात हुई, क्या कहना है? ये कह रहे हैं इलीगल है। नोटिस तो दिया कुछ नहीं, नोटिस होते तो हम गाड़ी अंदर ही खड़ी क्यों करते? इतना तो सेफ्टी करते ही हम, अगर पता होता हमें तो। आपकी गाड़ी भी टूटी है क्या? नहीं, निकाल दी गई। निकाल दी प्लॉटिंग है, उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह जो अनऑथराइज बनी हुई हैं, प्राधिकरण से इसकी कोई स्वीकृति नहीं है, इसलिए इसका हमारे यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है उसमें इसका डिमोलिशन ऑर्डर किया गया है और उसी लिए आज इसके डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। अब ये सो शुरुआत है और इस तरह बयान चलता रहेगा। आज ये समाथल में आप लोग खड़े हैं, समाथल में ये अनऑथराइज प्लॉटिंग है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।